आपके साथ मैं हूं रश्मि तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में चालानी कार्रवाई से परेशान ऑटो चालकों ने गृहमंत्री के बंगले का घेराव किया है। जिस वक्त ये ऑटो चालक बंगले का घेराव कर रहे थे, आपको बता दें गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले का घेराव इन ऑटो चालक के चालकों के द्वारा किया गया है। बड़ी संख्या में ऑटो चालक घेराव कर रहे थे। सरकार पर अनदेखी का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें जिस वक्त ऑटो चालक बंगले का घेराव कर रहे थे, उस समय गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू बंगले में ही मौजूद थे। ऑटो चालक गृहमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात गृहमंत्री से नहीं हो पाई। ऑटो चालकों का आरोप है कि कागजात परमिट होने के बावजूद पुलिस ने सैकड़ों ऑटो चालकों के चालान काटे हैं। ग्रामीण परमिट को शहरी परमिट में बदले जाने की मांग हजारों ऑटो चालकों ने की है। गृहमंत्री के बंगले के घेराव करने पहुंचे ऑटो चालकों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऑटो को लेकर शासन ने कोई भी नीति आज तक नहीं बनाई है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऑटो को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने कोई भी नीति आज तक नहीं बनाई है। यहाँ पे जो भी अधिकारी आया अपनी भर्रता ही चलाया, अपने हिसाब से उन्होंने नियम बनाए। और परमिट जो होते हैं इशू होते हैं दो ही आधार पे होते हैं, एक नगर पंचायत का, दूसरा नगर निगम का। और नगर निगम के परमिट को इन्होंने ग्रामीण नाम से परमिट 2012 में चालू किया था। हम लोगों ने लगातार डिमांड की थी कि जैसे जिन लोगों की गाड़ियां पुरानी होती जाती हैं और अगर वो गाड़ी चेंज करना चाहे तो पुराना परमिट नई गाड़ी पे दूसरे शहरों के अनुसार इशू कर दिया जाए। 25 वर्षों से ऑटो चला रहा हूँ। 25 वर्षों में कांग्रेस के शासन आने थे और माननीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी के आने थे, हम ऑटो चालक जो चालानी करवाई थी सपने में हमको पुलिस वाला दिखता था, वो बंद हुआ है। आज फिर इन लोगों ने एक बहाना ढूंढ करके ग्रामीण और शहर के माध्यम से 2000 से लेकर के 27000 तक की चालान कर रहे हैं, जिनकी कॉपी मेरे पास है। हम माननीय महोदय जी से ये निवेदन करने आए हैं कि आज हम गरीब किसान गरीब मजदूर परिवार से हैं और ऑटो चला के जीवन यापन करते हैं। आज हमको अगर यहाँ से 20 किलोमीटर बाहर भेज दिया तो हम कैसे जिएंगे। चलाने कार्रवाई से परेशान ऑटो चालकों ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले के यहाँ पर घेराव किया है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात करने आए थे, लेकिन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू बंगले में मौजूद नहीं है। इसके बाद लगातार जो ऑटो चालक वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मिलाया जाए, जिसके बाद यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं वो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो ग्रामीण परमिट इनको दिया गया था उसको शहरी परमिट में तब्दील किया जाए। उनका कुछ ऑटो चालक है उनसे बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर घेराव करने आए थे, गृहमंत्री नहीं है यहाँ पर, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है जो ग्रामीण परमिट जो जारी किया गया है सन 2012 से, उन ऑटो को कल से अचानक पुलिस वाले रोके और रोक के चलान किए हैं। सबका कोर्ट का चलान बनाए 2200 रुपए और सब गाड़ियां जब्त की है कोर्ट से छूटेगा करके। उसी संबंध में हम लोग मांग करने आए हैं कि ग्रामीण परमिट है जिसको अवैध रूप से रोका गया है उन गाड़ियों को छोड़ा जाए और सारे ग्रामीण परमिट जो है उनको शहर में तब्दील किया जाए। इतनी बड़ी शहर है, शहर का एरिया इतना बड़ा है कि उतनी गाड़ी यहाँ चल सकती है। कितने का चलान काटा जा रहा है ये अभी तो कोर्ट से जिसका है तो 2200 रुपए का कटा है और इसके पहले कुछ चलान कटे हैं जो 27000 रुपए का चलान पटाए कोर्ट में एक ऑटो वाले ने। तो क्या अवैध वसूली कर रहे हैं क्या? नहीं, उसमें ऐसा है पुलिस वालों के हाथ में धारा है, उन्होंने ऐसे धारा लगा दी कि कोर्ट में जज जो है 27000 रुपए उसका चलान लिया। एक ऑटो वाला गरीब अगर 27000 चलान पटाएगा तो ऑटो कैसे चलाएगा, अपना परिवार कैसे पालेगा और अपने ऑटो का किस्त कैसे पटाएगा। ये आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया जब परमिट जब जारी हो रहा था शहरी और ग्रामीण का, उस समय विरोध कहीं क्यों नहीं हुआ? उस समय नहीं सुनी गई क्या बात आप लोगों की? उस समय क्या हुआ था कि उसमें बात किए थे, उस समय 2-3 साल पुरानी बात है वाली। अभी जो नया नियम निकाले हैं बस इतने पटले। तमाम ऑटो चालक यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस तरीके से परमिट शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए जारी किया गया था, तो इनकी लगातार मांग है कि जो ग्रामीण परमिट है उसको शहरी परमिट में तब्दील किया जाए, क्योंकि अभी जो मौजूदा जो यातायात पुलिस है लगातार उनसे चलानी कर रही है। इसके अलावा इनका आरोप है कि अवैध वसूली उनसे लगातार की जा रही है। कैमरामैन श्याम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।
भगवानी में।